आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दूसरों के फटे में पांव डालने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सच कहूं तो यही हाल हिंडनबर्ग का हुआ है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर गड़बड़ी और खूब हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के अकाउंट्स में हेरफेर, शेयर्स की ओवर प्राइसिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स का बुरा हाल हो गया। अडानी के शेयर 85% तक गिर गए और कंपनी का मार्केट वैल्यू $140 अरब तक गिर गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के शेयर्स में हाहाकार मचा दिया। अडानी ग्रुप को गिराने और उसकी खामियां निकालने में हिंडनबर्ग इतना बिजी हो गया कि अपने देश की कंपनी और बैंक्स में आने वाली ट्रेजेडी में उसका ध्यान ही नहीं गया। वर्तमान समय में अमेरिका के दो बड़े बैंक एक के बाद एक कोलैप्स हो गए हैं। अब जब अमेरिकी बैंक में खलबली मची है तो हिंडनबर्ग के मंसूबों पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने और बैंक पर ताला लगने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हिंडनबर्ग से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक पर ताला लटक गया है। क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले सिग्नेचर बैंक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसके रिस्क को देखकर कुछ समय के लिए बैंक को बंद रखने का ही फैसला किया गया है। लोग अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को सिलिकॉन वैली के बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग को भारत में अडानी ग्रुप की गड़बड़ियां दिखी, लेकिन अपने देश में हो रही इतनी बड़ी घटना पर उनकी नजर ही नहीं पड़ी। उसे अपने देश में हो रहे बैंकिंग घोटाले नहीं दिखे। हिंडनबर्ग के एलिगेशंस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं। पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अडानी की कंपनियों को लेकर रिपोर्ट जारी की है। शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने अपने प्रॉफिट के लिए अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों, आप सभी इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।